अनुसुईया मशीनरी से सूरत से मिस्टर धनराज पाटिल। हमारी कंपनी जो भी आप हमारी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहते हैं, हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, तो खुद की कंपनी हमारी 9-10 प्रकार के जो मशीन बनाती है। हमारी कंपनी जो स्टार्टिंग जब हमने किया था मशीन का, तो छोटे मशीनों से बनाना चाहते थे। आज हम 10 रोल फॉर्मिंग इंडस्ट्री में 10 प्रकार की हम मशीनें बनाते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग जो है वो अड्डी रोल फॉर्मिंग मशीन रूफिंग मशीन की है। तो हम रोल फॉर्मिंग मशीन रूफिंग मशीन भी बनाते हैं, उसके रिलेटेड बेंडिंग, क्रिम्पिंग, हाइड्रोलिक डिकॉयलर, ये सारी जो है वो डबल लेयर की मशीन और ट्रिपल लेयर, ये सारी मशीनें हम बनाते हैं। हम अभी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक छोटा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, कि वो बिजनेस आइडिया ऐसा है कि छोटा आदमी छोटे मशीन छोटे इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हैं। तो हम आइए आपको हम आज बताना चाहते हैं शटर पट्टी मशीन के बारे में। गांव भर के जो छोटे छोटे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनको छोटा इन्वेस्टमेंट और अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस शटर पट्टी के रिलेटेड भी हमारे पास इसके रिलेटेड 4 मशीनें हैं। एक रिंग की मशीन बनती है, बोटम मशीन और गाइड मशीन, और एक शटर पट्टी मशीन। ये सेटअप अगर जिसके पास है तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पे सप्लाई कर सकता है। अगर आपको हमारी मशीन में जो हमने बनाई है, बाकी जो सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया का, उस सर्वे के मुताबिक हमने ये मशीनें इतनी इजी एंड टच मशीनें बनाई है। हमने इंडिया की सारी जितने शटर पट्टी बनाने वाले कॉम्पिटिटर है उनका हमने सारी मशीनें देखी है, उनकी क्वालिटी देखी, तो हमने वो देख के कि क्वालिटी हमको कैसे चेंज करना है, तो हमने वो सब चेंजेस करके हमारी मशीन को मार्केट में आज उतारने के लिए रेडी कर दी है। तो आइए मैं दिखाता हूँ मेरी मशीन कैसे काम करती है। देखिए सर, फर्स्ट मशीन स्टार्टिंग होता है शटर पट्टी के मशीन में। यहाँ से आपका जो होता है कॉइल सेटिंग होता है। काफ़ी सारे लोग ले लेते हैं मशीन पर कॉइल सेटिंग नहीं हो पाती उनकी। ये कॉइल सेटिंग के लिए आपको हम यहाँ से फिक्स कॉइल आपकी जितने की होती है 100 mm, 118 mm, 116 mm, जो भी कॉइल होगी वो कॉइल यहाँ से सेटिंग होगी आपकी, ठीक है। तो दोस्तों, ये कॉइल सेटिंग का जो फंडा है ये सब लोगों को, नए लोगों को नहीं पता, जो पुराने शटर पट्टी के जानकार है उनको सारी चीज़ें पता है। तो हम यहाँ पे 100 mm की कॉइल सेट करके देते हैं कस्टमर को। इसके बाद यहाँ हम हमारा मिंडी का जो प्रोग्राम है यहाँ से बनता है, यहाँ से प्रोग्राम बनता है हमारा। तीन स्टेप में हमारा ये, तीन स्टेप में हमारा मिंडी सेटअप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम मिंडी सेटअप करते हैं। जैसे आपको कस्टमर को नीचे ज़्यादा मोड़ना हो तो नीचे से यहाँ से बोल्टिंग दिया हुआ है, वो बोल्टिंग से सेटिंग दी हुई है, तो यहाँ भी दोनों सेटिंग दी हुई है, नीचे ऊपर आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, मिंडी बन के इसमें रेडी हो जाती है और यहाँ आता है। उसके बाद लास्ट स्टेप में यहाँ पर आपकी मिंडी दब जाती है। तो ये मिंडी जो दबती है यहाँ पर ये सिस्टम पर, तो ये सिस्टम खास आपको यहाँ भी सेम सेटिंग दी और हैवी सेटिंग दी है, हमेशा नहीं कि छोटी सेटिंग। इसके बाद लास्ट है तो प्लेन डिज़ाइन पहले यहाँ पे निकल जाती है। ये ज़्यादातर इंदौर में चलती है ये डिज़ाइन है, और ये देखिए इसमें 3 लाइन वाली डिज़ाइन है। इसके बाद वाली जो लाइन की डिज़ाइन है वो कटिंग रोले कटिंग होके करती है। जो हमारे पास सैंपल पड़े हैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो सैंपल्स हैं हमारे पास, ये देखिए ये जो कटिंग डिज़ाइन है वो यहाँ बनेगी आपकी। तो वो ये जो लाइन वाली डिज़ाइन है सैंपल्स है, ये लाइन की डिज़ाइन आपकी इस रोले में बनेगी। तो ज़्यादातर इंदौर में कोटिंग कोयले हैं ये यहाँ पे बनती। इसके बाद दोस्तों, ये दोनों अगर इस डिज़ाइन को आपको, ये डिज़ाइन को बनाना है इसको, तो आपको इस रोले को यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, तो ये डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन को नहीं बनाना है, इसको ढीला कर दो तो ये रोला अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये सारा फुल्ली बेयरिंग पे हमारी मशीन चलती है, और 50 की साफ्टिंग है दोस्तों हमारी, तो साफ्टिंग तो टूटने का तो कोई इश्यू नहीं आता है इसमें। और ज़्यादातर मशीनें चलती है, बहुत सारी प्रोडक्शन निकलती है, साफ्टिंग टूट जाती है तो बार बार साफ्टिंग। और सबसे बड़ी बात है हमारा हार्डिंग किया हुआ ये नेट मटेरियल के रोले यूज़ करते हैं, तो रोले का भी घिसने का चांसेस बहुत कम होता है इस जगह पर। हमारी जो ये गियर अप्लाइज है मशीन, यहाँ के डबल गियर दे रखे हैं और यहाँ पर इस तरफ भी गियर दे रखे हैं, तो मशीन के ऊपर नीचे के दोनों रोले चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आइए, अभी हम बताना चाहते हैं आपको ये वर्क कैसे करेगी। ये इसका राइडर होता है, जैसे आपका 10 फुट की पट्टी चाहिए तो ये राइडर गिनती करता है कि 10 फुट की पट्टी चाहिए, वहीं से कटिंग करेगा ये राइडर की। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है PLC में। अब PLC यूनिट क्या होता है भाई, जो PLC यूनिट क्या होता है वो देख लीजिए आप, अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा PLC यूनिट है, ये PLC यूनिट है, ये ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों चलता है, ठीक है दोस्तों। हम अभी आपको डेमो देंगे, ये पहले आपको बता, ऑटो मैनुअल जो होता है मैनुअल से जैसे करेंगे तो मैनुअल आपका चलेगा, ये ऑटो कर दोगे और डिज़ाइन डाल दोगे आप, तो उतनी डिज़ाइन निकलेगी, तब तक आपको मशीन को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये वर्क करता PLC वर्क करता है। यहाँ जो हमने दिया इस मशीन में
इस मशीन में कटिंग दी है। जैसे आपका ये कटर नीचे जाएगा तो यहाँ तक अगर ये आ गया कटर, ये हाइड्रोलिक सिस्टम से, तो ये नीचे कट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक कट करके ऑटोमेटिक मोटर ऊपर आ जाएगी। गियर जो हमने शानदार ब्लेड दी है कटिंग की, वो आपकी पट्टी को यहाँ से काट देगी। टाइमिंग ये देगा ऑर्डर PLC देगा। फिर ये हमने सेफ्टी फीचर्स देखे हुए हैं, तो इसका सेफ्टी फीचर्स दे दिए हमने। सेफ्टी फीचर जैसे दिए हुए हैं कि किसी का हाथ ना कट जाए, हाथ कटने से किसी को इंजरी ना हो, तो हमने और सेफ्टी फीचर भी इसमें दिए। हाइड्रोलिक है, इसका हाइड्रोलिक में ये प्रेशर कंट्रोल वाले हैं कि आपका मोटर का कितना प्रेशर कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये वाले काम करता है। और यहाँ से अभी हम आपको डेमो देंगे। यहाँ जाइए, ये मशीन की है, हाइड्रोलिक पाइप से, बहुत हैवी पाइप से, ये पाइप से यहाँ पे ये मोटर करती है। यहाँ से ये 3 HP की मोटर है, और इसके अलावा मोटर भी है 3 HP की मोटर, ठीक है दोस्तों। तो ये पावर पैक जो ऐसा काम करते हैं, वहाँ से कंट्रोल PLC करता है, मैनुअल मोटर सब PLC कंट्रोल करता है, ऊपर नीचे नहीं करता। और इसके बाद हमारी यहाँ हमारी मिनी सेटअप जो भी है, ये 4 सेटअप में हमारी मिनी सेटअप होती है। उसके बाद हमने यहाँ से भेज दे रहे हैं और चला जाता है। हम आपको इस मशीन को यहाँ, ये हमारा ये मशीन है, इधर गेरे पे ये है आपका 5 HP की मोटर लगी है इसमें, और इसमें जो 5 HP की मोटर में विद गेयर बॉक्स दे रखा है, तो हमारे टोटल 9 HP पावर हो गया है। टोटल 9 HP इसमें 45 लीटर की टैंक है, 45 लीटर इसमें आता है, जिसका मीटर रीडिंग इधर हमने दे रखा है। और आप अगर ऑयल ख़राब हो गया तो ऑयल यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए अभी चालू करके हम दिखाते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ। अभी तो हम इस मशीन को चला रहे हैं, तो देखिए मैनुअल चला रहे हैं। अभी मैनुअल हमारी मशीन कैसे वर्क करती है, हम चलाइए मैनुअल। मैनुअल देखिए, आप वहाँ पे देखिए कि मैनुअल चल रही है। बस अभी ये मशीन कट करेगी, हम कट करिए। दोस्तों, हमारी जो सटल पट्टी की बात हुई थी, उस मशीन में काफ़ी सारी कंपनियाँ रिकॉर्डर के अलग पैसे लेती है, और आपके ये डिस्प्ले स्टैंड है, इनके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इनका हम कोई भी अलग से चार्ज नहीं लेते। मशीन की कॉस्ट है, इसी में हम जीतते हैं।